टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा शहर में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवाट ने दौरा किया। ये दौरा गुलाब पार्क मार्केट से शुरू हुआ और MM वली कब्रस्तान तक रहा। इस दौरान मंत्री जितेंद्र अहवाट के साथ विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान और मनपा के अधिकारी धनंजय गोसावी, सागर सालुंके और NCP के रेहान पीतलवाला और तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में जिस तरह से ट्रैफिक जाम हो रही थी, उसकी वजह से गुलाब पार्क मार्केट से सभी हॉकर्स को हटा दिया गया। आज तीसरा दिन था, कोई भी हॉकर रोड के किनारे धंधा नहीं लगा पाया और इसी का जायज़ा लेने के लिए खुद मंत्री जितेंद्र अहवाट मुंब्रा पहुँचे और गुलाब पार्क मार्केट से पैदल चलकर ये जायज़ा लिया गया। इस दौरान मंत्री जितेंद्र अहवाट ने नूरानी होटल में चाय नाश्ता किया, क्योंकि नूरानी होटल से ही राजनीतिक गलियारों में इनके विरोधियों और मंत्री जितेंद्र अहवाट को लेकर चर्चा का विषय बना रहता है। मंत्री जितेंद्र अहवाट ने बताया कि किसी भी हॉकर्स को अब रोड के किनारे बैठने नहीं दिया जाएगा। हॉकर्स को जितनी जगह चाहिए मित्तल में जाकर धंधा लगाए। साथ ही थाने पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके आदेशा अनुसार मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर्ण ने पूरी टीम के साथ अच्छा काम किया है और आज 3 दिन हो गया पूरा रोड हॉकर से खाली है। कहीं भी मुंब्रा शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं है और इसी तरह से अब रोज कार्रवाई की जाएगी। मुंब्रा शहर में किसी भी हॉकर्स को नहीं बैठने दिया जाएगा। 20 लोगों की टीम मनपा को दी गई है जो हमेशा गुलाब पार्क मार्केट में जायजा लेगी। वहीं हॉकर्स भी 3 दिन से धंधा नहीं लगा पा रहे हैं और ये हॉकर्स मित्तल में भी जाने को राजी नहीं है। वहीं मनपा इन्हें रोड के किनारे बैठने नहीं दे रही है। ऐसे में हॉकर्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं मंत्री जितेंद्र अहवाट ने अपने दौरे के दौरान MM वली के नए कब्रस्तान में भी जाकर जायजा लिया। जो कब्रस्तान का गेट है उसके काम का भी जायजा लिया और जो MM वली से मित्तल होकर नया रोड बनाया जा रहा है उस रोड के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि जून से पहले ही ये रोड का काम पूरा हो जाएगा और इसे शहर के लिए, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मंत्री जितेंद्र अहवाट ने क्या कुछ इस दौरे के बाद कहा है सुनिए। सर, गुलाब पार्क मार्केट से दौरा किया आपने, क्या देखा आप? जिस तरह से हॉकर्स धंधा लगाते थे लेकिन 2 दिन से वो धंधा नहीं लगा। तो ऐसा है, हमारा प्रयास ये है कि एक भी हॉकर रास्ते पर नहीं आए, उनको मित्तल में मंगता है उतनी जगह देता हूँ, क्योंकि रमज़ान के महीने में एक एक कदम चलने के लिए लोगों को मुसीबत हो जाती है। अभी जो हालात आप देखे ना, मेरे साथ आप पीछे ही घूम रहे थे, तो कैसा लग रहा है? इतने बड़े रास्ते में दावे के साथ कहता हूँ कि ठाणे के शहर में कहीं पर भी नहीं। अगर ये सहूलियत आपको मिली है तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं ले? हम डिवाइडर शिफ्ट कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम डिवाइडर शिफ्ट कर रहे हैं और इधर अगर 45 फुट का रास्ता है तो उधर भी 45 फुट का रास्ता रहेगा। आज 150 फीट का रास्ता है हमारे हाथ में, 150 फीट का। सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हॉकर्स जो है, जब तक मनपा के अधिकारी वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, बैठे हैं 7 दिन 8 दिन, उसके बाद धीरे धीरे वो बैठ जाएंगे। फिर अभी हमने जिम्मेदारी ली है, मनपा को 20 लोग हमेशा के लिए दिए और मुझे फंसालकर साहब जो CP है उनका आभार प्रदर्शित करना है कि उन्होंने कर साहब को कहा है और कर साहब ने बड़ी जिद ली है कि हम लोग इनको बैठने ही नहीं देंगे। सर, ये जो रोड आज जायजा लेने है, ये रोड कब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मिल जाएगा शहर के लिए? मेरे ख्याल से ये होने को, अगर नाला हो गया तो जून तक ये रोड पूरा हो जाएगा। यानी कि अब हॉकर्स को रोड के किनारे बैठने का कोई भी चांस नहीं बचा है। अगर इन्हें धंधा लगाना है तो वो मित्तल में जाकर धंधा लगा सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले रमज़ान में हॉकर्स के लिए सबसे बड़ा मुसीबत का सामना हो जाएगा। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि रोड के किनारे जब से 3 दिन हो गया है हॉकर्स धंधा नहीं लगाए हैं, ट्रैफिक फ्री बताया जा रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।